दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। दैनिक वेतन भोगी, अर्धकुशल, अकुशल और संविदा कर्मी ही नहीं बल्कि ठेके पर काम करने वाले लोग, आउटसोर्सिंग कर्मचारी का भी वेतन 18,000 रुपए से ऊपर हो चुका है। कैसे अर्धकुशल, कुशल और अकुशल श्रमिकों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। इतना ही नहीं, आपको इस वीडियो में लाइव वीडियो भी दिखाऊंगा और ऑफिशियल नोटिस जो जारी हुआ है वो भी आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों, अगर आप एक संविदा कर्मचारी हैं, ठेके पर काम करते हैं या फिर किसी भी श्रेणी में आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले और सबसे तेज मिलती रहे। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किस तरीके से न्यूनतम वेतन को लेकर सरकार एक बहुत बड़ी घोषणा की है। दोस्तों, अलग अलग श्रेणियों में श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। आदेश के अनुसार अब अकुशल के लिए कम से कम 18,066 रुपए, अर्धकुशल के लिए 19,929 रुपए और कुशल स्किल्ड श्रमिकों के लिए 21,917 रुपए न्यूनतम मानदेय मिलेगा। देश भर में न्यूनतम वेतन पर नजर डालें तो दिल्ली की सरकार ने देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम वेतन दिया है। गरीब लोगों का शोषण रोकने के लिए दिल्ली सरकार न्यूनतम वेतन को एक ऐतिहासिक स्तर पर लेकर गई है। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके से सरकार, यानी कि जब पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी 2016-17 में, तो न्यूनतम वेतन बढ़ाने की बात कही गई थी लेकिन किसी कारणवश नहीं बढ़ाया गया, जिसके बाद दिल्ली सरकार न्यूनतम वेतन बढ़ाने के लिए कोर्ट से आदेश लेकर आई। इस चीज को लेकर विपक्ष ने विरोध भी किया लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लड़ाई लड़ी और दिल्ली के आम लोगों के हित में फैसला लेकर आई। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बताऊंगा इस वीडियो में किस तरीके से कितना और कैसे मानदेय दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आइए हम लोग मानदेय की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर पुरानी मजदूरी की बात करते हैं अकुशल श्रमिकों का, तो 17,494 है जो बढ़कर 18,066 रुपए हो गया है। अर्धकुशल श्रमिकों की बात करें तो 19,279 रुपए था, अब बढ़कर 19,929 रुपए हो गया है। कुशल श्रमिक की बात करें तो 21,215 रुपए था, 21,917 रुपए हो गया है। वहीं पर अगर 2013 से पहले की बात करें तो आइए हम लोग खुद मुख्यमंत्री जी से, उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं कि पहले क्या मानदेय, क्या वेतन हुआ करता था और आज क्या मानदेय, क्या वेतन है। तो दोस्तों, आइए हम लोग मुख्यमंत्री जी को सुनते हैं। स्किल्ड वर्कर्स की मिनिमम वेजेस 21,917 पर बढ़ाया जा रहा, और इसका कंपैरिजन करने के लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनने से पहले कितनी मिनिमम वेजेस थी, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी। 2013 में अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस मात्र 7,722 रुपए होती थी, जो आज हमने 18,066 रुपए कर दिया। 2013 में सेमी स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 8,528 रुपए होती थी, जो आज 2024 में 19,929। 2013 में स्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस 9,388 रुपए होती थी, जो आज 21,917 रुपए दिल्ली में है। और ना सिर्फ इतना, मैं इसका कंपैरिजन आपको बताना चाहूंगी और राज्यों के साथ की। जो मैं अनस्किल्ड लेबर की मिनिमम वेजेस दिल्ली में 18,000 रुपए हैं, वो राजस्थान में मात्र 8,063 रुपए है। मध्य प्रदेश में, जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 10,000 रुपए है। उत्तर प्रदेश में 8,300 रुपए है। हरियाणा में 10,000 रुपए है। छत्तीसगढ़ में 10,900 रुपए है। बिहार में 10,600 रुपए है। तो अगर आप देश भर से कंपैरिजन कीजिए तो आज दिल्ली सरकार की मिनिमम वेजेस सबसे ज्यादा है। तो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार दिल्ली के आम लोगों को एक बेहतर जिंदगी, एक डिग्निफाइड जिंदगी देती आई है, और आने वाले 4 महीनों में भी हम इसी तरह काम करते रहेंगे कि दिल्ली वालों को और दिल्ली में रहने वाले आम लोगों को, गरीब लोगों को
एक इज्जतदार जिंदगी मिल सके। तो दोस्तों निवेदन करता हूँ, आपने मुख्यमंत्री जी लाइव सुना और यकीनन आपको विश्वास हो गया होगा किस तरीके से दिल्ली सरकार यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जो इस समय आतिशी श्रीमती आतिशी इसकी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा किया हुआ है और उसमें साफ तौर पर कुशल अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों को लेकर मानदेय में बढ़ोतरी करने का आदेश दिया है। निवेदन करता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब के बटन और घंटी जरूर दबाएं।